अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की बार ये वीडियो कोई ट्यूटोरियल नहीं बल्कि एक ट्रिक है कि हम कंप्यूटर में किस तरह इनविजिबल फोल्डर बना सकते हैं या कह लें कि एम्प्टी नेम फोल्डर किस तरह बना सकते हैं दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आप फोल्डर क्रिएट कर लें, जो से भी रिएक्ट में आप फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिस पीसी में जाके लोड कर डिस डी में या बाय डॉक्यूमेंट में, तो आप जहाँ क्रिएट करना चाहते हैं या कर लें। मैं डेस्कटॉप पे क्रिएट करना चाहता हूँ, तो इसलिए जहाँ भी आपने क्रिएट करना है वहाँ पर आप राइट क्लिक प्रेस करें एंड देन यहाँ न्यू में जाएं एंड देन ये फोल्डर के बटन पे क्लिक कर दें। फोल्डर के बटन पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये फोल्डर आ जाएगा, आपने फिर यहाँ पर एंटर प्रेस कर देना है दोस्तों। फिर आपने अपना स्टार्ट मेनू ओपन करना है या कीबोर्ड से विंडो का बटन प्रेस कर दें। ये देखिए मेरा स्टार्ट मेनू आ गया। फिर आपने यहाँ पर टाइप करना है करेक्टर मैप, ये देखिए ये करेक्टर मैप आ जाएगा, आपने सो ओपन कर लेना है। एंड देन दोस्तों आपने यहाँ पर फाइंड करना है एम्प्टी आइकन, ये मैं ढूंढ रहा हूँ यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन किया, ये मुझे मिल गया। तो आपने सिंपली क्लिक करना है एंड देन यहाँ पर सेलेक्ट के बटन पर क्लिक करना है एंड देन ये कॉपी के बटन पर क्लिक करना है। फिर आपने इस बॉक्स को क्लोज कर देना है एंड देन आपने फिर उसी फोल्डर के पास आना है जिसे आपने इनविजिबल करना है। तो आपने इसे राइट क्लिक प्रेस करना है एंड देन ये रीनेम में जाना है एंड कीबोर्ड से कंट्रोल वी प्रेस कर देना है, फिर आपने एंटर करना। दोस्तों ये देखिए आपका आधा काम हो गया, ये आपका एम्प्टी नेम फोल्डर बन गया दोस्तों। आप आता थी इसे इनविजिबल बनाने की। दोस्तों इनविजिबल बनाने के लिए आपको एक आइकन की ज़रूरत होगी जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों, ये उसका लिंक है। तो सिंपली मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों आपने यहाँ 5 सेकंड वेट करना है एंड देन फिर इसकी पैड के बटन पर क्लिक करना है और ये पेज रीडायरेक्ट हो जाएगा मीडिया फाइल पे। अगर रीडायरेक्ट ना हो तो आप इस पर क्लिक करें, मेरा नहीं रीडायरेक्ट हो, मैं तो इस पर क्लिक करता हूँ। देखिए रीडायरेक्ट हो गया। फिर आपने इस आइकन को डाउनलोड कर लेना है, ये देखिए ये मैंने डाउनलोड कर लिया और ये स्टार्ट हो गया। ये 135 KB का ज़्यादा बड़ा नहीं है तो ये लगभग कंप्लीट ही हो चुका है। ये देखिए 3 सेकेंड रह गया, फिर आप मैं ओपन कर लेता हूँ। ये है जी, ये डाउनलोड में मैं इसे कट करके डेस्कटॉप पे ले आता हूँ। ये देखिए डेस्कटॉप में मैंने पेस्ट कर दिया। तो अब मैं अपने ब्राउजर को रिवाइज कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये रहा वो आइकन। सिंपली आपने उस जिस फोटो को इनविजिबल करना है उस पर राइट क्लिक प्रेस करना है एंड उसकी प्रॉपर्टीज में जाना है एंड देन यहाँ से कस्टमाइज में जाना है एंड देन फिर यहाँ चेंज आइकन के बटन पर क्लिक कर देना है। फिर आपने यहाँ ब्राउज के बटन पर क्लिक करना है एंड देन जहाँ पे आपने वो ट्रांसपेरेंट आइकन की फाइल पेस्ट की होगी आपने उस डायरेक्टली ओपन कर लें, क्योंकि मैंने डेस्कटॉप में ही पेस्ट की हुई है इसलिए मैंने डेस्कटॉप ही ओपन किया। तो मैं यहाँ सिंपली टाइप करता हूँ टी, ये आ गया ट्रांसपेरेंट। तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ एंड देन ये एक सेलेक्ट हो गया, मैं इसे ओके करता हूँ एंड देन अप्लाई एंड ओके। ये देखिए दोस्तों, ये फोल्डर आपके सामने ये हाइड हो गया। मैं आपको इसे ओपन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल इनविजिबल फोल्डर बन गया है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को कमेंट लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और हो सके तो मेरे यूट्यूब का चैनल youtube.com/meetkingyou को सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।